ट्रेडर्स एंड वेलकम टू द चैनल मेंबर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग एक क्विज खेलेंगे। छोटा सा क्विज होगा। आपको सिर्फ करना क्या है कि जब हम पूछेंगे कि एक पर्टिकुलर लेवल पर आकर कि आप क्या डिसीजन लोगे, तो सिर्फ आपको अपना वो डिसीजन सोचना है अपने मन में कि अगर आप उस लेवल पर वहां पर होते, उस पॉइंट पर वहां पर होते तो आप क्या करते, आपका डिसीजन क्या होता। छोटा सा क्विज होगा। आप चाहो तो अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो, एज यू विश। सो आगे बढ़ते हैं, और इसके पहले एक छोटा सा काम हम लोग करते हैं, छोटा सा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये करेंसी का चार्ट अपना ओपन है, इसमें मार्केट चल रही है। अब यहाँ पर हमें करना है क्या है, देखिए मार्केट में हम दो ही काम करते हैं, या तो हम किसी स्क्रिप्ट में बाइंग करते हैं या फिर किसी स्क्रिप्ट में सेलिंग करते हैं। अदरवाइज क्या करते हैं, वॉच करते हैं मार्केट को, और एक पर्टिकुलर बाइंग या सेलिंग के पोजीशंस किस पॉइंट पर बन सकती हैं, कौन सी फॉर्मेशन के बाद हमें पॉइंट्स पर अपने बाइंग या सेलिंग करनी, इस चीज़ का वेट करते हैं। अगर वो फॉर्मेशन डेवलप नहीं हुई होती है तो, एंड देन उसके बाद फिर हम बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। सो या तो बाइंग एंड सेलिंग या फिर वेट। यहाँ पर वेट करने के लिए ज़्यादा समय देना पड़ता है, 80% ऑफ टाइम हम वेट ही करते हैं एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। और जब हम अच्छी अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं कर पाते, जल्दबाजी में कोई ट्रेड हम एग्जीक्यूट करने चलते हैं, तो वही एक पॉइंट होता है कि जहां पर हमको लॉसेस देखने को मिलते हैं। वरना अगर हम सही जगह पर सही समय पर एंट्री ले लें तो स्टॉप लॉसेस बहुत छोटे और एक्यूरेसी बढ़ जाते हैं। यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं, देखें कि जैसे मान लीजिए ये चार्ट आपका चल रहा है, प्राइस अप से डाउन साइड की तरफ गिर रहा है ना हमारा, ये वाली जो रेंज है, देखिए ये रेंज हमारे लिए एक सपोर्ट पॉइंट है। हायर टाइम फ्रेम पर चलते हैं, ये वाली जो रेंज इसका, ये एक सपोर्ट पॉइंट है। प्राइस देखिए दो दिन से लगातार डाउन साइड की तरफ आपका गिर रहा है, बट लेस वॉल्यूम के साथ, वॉल्यूम्स गिरती चली जा रही हैं और प्राइस आपका डाउन साइड की तरफ आया है। प्राइस आपका कमज़ोर है और एक सपोर्ट पर इस वक्त ये सपोर्ट ले रहा है। वॉल्यूम्स की भी काफ़ी सारी कन्फर्मेशंस यहाँ पर हमारे पास हैं हायर टाइम फ्रेम पर। एंड अगेन अभी हम लोअर टाइम फ्रेम पर चलेंगे। टाइम फ्रेम जो इसके अंदर हम सिंपली यूज़ करेंगे अपना, या तो 50 मिनट्स या फिर 30 मिनट्स का। करेंसी पेयर्स के अंदर जब हम ट्रेड करते हैं तो 15 मिनट्स या फिर 30 मिनट्स का टाइम, एज यूजुअल जो मेरा अपना मानना है, मेरा व्यू है, 15 मिनट्स या 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम आप यूज़ करिए। बाकी आपका अपना अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम हमने जैसे यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। अभी देखिए प्राइस आपका डाउन साइड की तरफ आया है, डाउन साइड की तरफ आपका प्राइस गिर जाने के बाद अपने एक सपोर्ट लेवल पर आया है, और हायर टाइम फ्रेम पर हमको मालूम है कि इसके अंदर वॉल्यूम्स कमज़ोर होती चली जा रही हैं और प्राइस अपना एक सपोर्ट लेवल पर आ चुका है। अब यहाँ से क्या हो सकता है कि अगर प्राइस को अप साइड की तरफ जाना है तो सेम लेवल से ही प्राइस आपका अप साइड की तरफ जा सकता है। एग्जैक्ट अपने इस पॉइंट पर आकर के प्राइस PS1 को फॉलो करते हुए अपसाइड की तरफ चला गया और इसने अपने सभी स्विंग्स को ब्रेक किया है। अब देखिए क्या हो सकता है। जनरली हमको देखने से ऐसा लग रहा है कि प्राइस यहाँ से पूरी तरह से बुलिश है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट कैंडल हमको नजर आ रहा है, हम उस एक इम्पोर्टेंट कैंडल को मार्क कर लेंगे, लाइक के ये वाली कैंडल, इसका लो एंड हाई। अभी प्रीवियस में भी देखेंगे, प्रीवियस डाटा अगर हम देखते हैं तो सेम लेवल हमको एक सपोर्ट यानी कि एक स्विंग लेता हुआ यहाँ पर दिख जाएगा। तो दो पॉइंट्स हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। अच्छा, एक एक चीज़ को थोड़ा सा गौर से देख करके चलिएगा। हमारे स्विंग्स कौन कौन से हैं, जैसे ये वाला एक स्विंग है, एक ये वाला स्विंग है, प्राइस देखिए एक जैसे ये वाला स्विंग है। प्राइस अपने उस लेवल पर आ जाने के बाद एक अच्छा सा रिएक्शन दिखा रहा है हमको, यहाँ से सीधे डाउन साइड की तरफ गिर गया, और इस वाले पॉइंट पर इसके सपोर्ट्स हैं, यहीं से प्राइस उठ करके अप साइड की तरफ चला गया। ओके, अभी एक रेजिस्टेंस पॉइंट पर जाने के बाद प्राइस यहाँ पर क्या है कि मे भी हो सकता है कि थोड़ी देर सस्टेन करे या फिर साइडवेज रहे, और अब अगर प्राइस को अपसाइड की जर्नी दिखानी है तो अपनी ये रेंज अपसाइड की तरफ ब्रेक होगी। दिस इज द वे ऑफ प्राइस एनालिसिस। प्राइस को अगर आपको एनालाइज करना है तो कुछ इस तरह से आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप प्राइस को एनालाइज करो, एक एक कैंडल को पकड़ने की कोशिश, वॉल्यूम्स एंड प्राइस दोनों की कंफर्मेशन लेने की कोशिश करो। एक्यूरेसी आपकी धीरे धीरे, एकदम से नहीं होगा कि आज आपने देखा कोई वीडियो देखा, कल कोई वीडियो देख लिया, परसों कोई वीडियो देख लिया, चार दिन पांच दिन में आपने वीडियो देखा और आपके अंदर एक्यूरेसी आ गई। एक वे पर आपको उतरना पड़ेगा, एक प्रोसेस में आना पड़ेगा, कब कौन सी फॉर्मेशन देखनी है, हायर टाइम फ्रेम को किस तरह से एनालाइज करना है, लोअर टाइम फ्रेम को किस तरह से एनालाइज करना है, बुलिश कैंडल्स को किस तरह से एनालाइज करना है, वॉल्यूम्स को किस तरह से हमें देखना है। धीरे 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 करके जब आप एक वे में आओगे तो चीजें साफ होती चली जाएंगी और आपकी एक्यूरेसी दिन पर दिन बढ़ती चली जाएगी। वरना ब्रेक इवन पर रहोगे आप, कभी कभी आपके स्टॉप लॉसेस जाएंगे, आप लॉस में निकलेंगे। एक ही इसका रास्ता यह है कि आपको मार्केट को थोड़ा बहुत समय देना है, प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखना है। यूट्यूब पर कई सारे वीडियोस मेरे पड़े हुए हैं, आप उन फ्री वीडियोस को देख करके ही बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो, समझ सकते हो। प्राइस एक्शन में आपका एक लेवल कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, आपको एक स्टार्टअप मिल सकता है। ओके, सो कैंडल्स को रीड करने का मेथड अगर आपके पास आ जाता है तो उसके ऊपर बिलीव कीजिए और रीड करने की कोशिश कीजिए।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेकंड चीज़ जो हमने बताई थी, क्विज हम लोग आज देखेंगे। वो क्विज किस तरह का होगा कि प्राइस मान लीजिए डाउन साइड की तरफ, अप साइड की तरफ जा रहा है या फिर डाउन साइड की तरफ आ रहा है। हम आपसे ये पूछेंगे कि पर्टिकुलर लेवल पर अगर हमें करना होगा तो हम करेंगे। सिंपल सा इसका जवाब आपको अपने मन में सोचिएगा कि अगर आप उस लेवल पर होते तो क्या करते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, सो थैंक यू। एंड अब बढ़ते हैं हम अपने सेकंड चैप्टर पर। चलिए, ये कुछ कैंडल्स हैं। प्राइस हमको ओवरऑल दिख रहा है, द प्राइस इज इन डाउन ट्रेंड। व्हाट वुड यू डू? प्राइस आपका डाउन ट्रेंड में है जनरली अगर हम देखें तो। अगर आप इस लेवल पर होते तो आप क्या करते हैं? आप चाहो तो वीडियो पॉज कर सकते हो और यहाँ से अनुमान लगाने की कोशिश करो कि अगर आप इस लेवल पर हो और अगर आपको बाइंग या फिर सेलिंग, अभी हमने कहा ना कि या तो आप बाइंग करोगे या फिर सेलिंग करोगे या फिर पॉइंट किसी एक लेवल पर आ जाने का वेट करोगे, तो अगर यहाँ पर आपको बाइंग या फिर सेलिंग करनी होती तो आप किस तरह से करते, सोचिए। अब हम मान लेते हैं कि यहाँ पर जो आपका डिसीजन है बाई का है, यहाँ पर आपने बाइंग या फिर ये वाली जो अपनी कैंडल है, यहाँ से आपका जो डिसीजन है ये बाइंग का है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इस लेवल पर मान लीजिए आपने बाई किया था, तो देखिए बाइंग करने के बाद प्राइस अपसाइड की तरफ गया है। ओके, प्राइस ने पुल बैक मारा। सो प्राइस मेड पुल बैक एंड द ट्रेड इज रनिंग इन प्रॉफिट। आपने अगर यहाँ पर बाई किया था तो आप प्रॉफिट में होगे। अगेन, व्हाट वुड यू डू नाउ? अब आप क्या करोगे? तब जबकि आपको मालूम है कि ये जो ट्रेंड लाइन वगैरह हैं, ये हमने मान लीजिए यहाँ पर ड्रॉ कर दी है। ओके, ये दो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ कर दी, ये चैनल टाइप का हमने बना दिया है, यहाँ पर एक पूरा चैनल ड्रॉ कर दिया है। अब आप यहाँ पर क्या करोगे? क्योंकि यहाँ पर आपने बाइंग की हुई है, आप प्रॉफिट में हो और एक चैनल के पास में आपका प्राइस है, अब आप यहाँ पर क्या करोगे, सोचिए थोड़ा। अब एक पॉइंट पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा। बुल्स करेक्टेड द प्राइस एंड मेड अ पुल बैक, द शॉर्ट ट्रेड इज रनिंग इन अ लॉस। और अब यहाँ पर तो जब आपने बाई किया था, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि सभी लोगों ने आपने बाई किया हो, कुछ लोगों ने शॉर्ट किया होगा। अगर यहाँ पर आपने शॉर्ट किया है, क्यों किया है? क्योंकि प्राइस ये आपका डाउन ट्रेंड में है। अगेन, जब प्राइस यहाँ से गिरा था तो भी यहाँ से ये डाउन ट्रेंड में ही था, तो ये लगा होगा ना कि प्राइस यहाँ से डाउन ट्रेंड में है, ये करेक्शन एंड अगेन डाउन ट्रेंड। बट इस डाउन ट्रेंड के लिए, डाउन ट्रेंड में आपने ये सोचते हुए कि प्राइस डाउन ट्रेंड में, हम यहाँ पर शॉर्ट कर देते हैं। अगर इस ग्रीन कैंडल के बाद में आपने प्राइसेस के अंदर शॉर्ट सेलिंग की तो आप पूरी तरह से अभी तो लॉस में होंगे। तो भी एक पक्ष हमारा बाई साइड में और एक पक्ष हमारा शॉर्ट साइड में है। और अब आप दोनों लोगों को ही सोचना है कि ये फॉर्मेशन देखते हुए कि प्राइस हमारा एक डाउन ट्रेंड में है, एक चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है एंड अगेन, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? जबकि आपको मालूम है कि आप प्रॉफिट में भी हो और आपको ये भी मालूम है कि जिसने यहाँ पर शॉर्ट किया है वो लॉस में है, तो जो लॉस में है अब यहाँ पर उनकी क्या एक्टिविटी होगी, या फिर अगर आप प्रॉफिट में हैं तो अब आपकी क्या एक्टिविटी होगी, थोड़ा सा सोचिए इसके बारे में। अब आते हैं आपके डिसीजन के ऊपर। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो? बुल्स मेड अ पुल बैक एंड बॉट द प्राइस बैक टू द लोअर ट्रेंड लाइन ऑफ द चैनल। लोअर ट्रेंड लाइन से आपने बाई किया यहाँ पर। सो क्या कर सकते हो आप कि अगर आपने शॉर्ट सेलिंग की हुई है इस वाले लेवल तक, इस वाले लेवल से अगर आपने शॉर्ट सेलिंग की है तो या तो आप होल्ड कर सकते हो कुछ और समय के लिए, इस बात से कॉन्फिडेंट होकर कि प्राइस हमारा डाउन ट्रेंड में है एंड ये भी डाउन ट्रेंड है, तो क्यों ना हम थोड़ी देर के लिए अपना होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेस आप जहां चाहो लगा सकते हो। सो जब तक हमारा स्टॉप लॉस नहीं जाएगा तब तक हम इसके अंदर होल्ड करना चाहेंगे। ये तो हुआ शॉर्ट सेलिंग को लेकर के। अब अगर आपने यहां पर बाइंग की हुई है तो बाइंग के लिए क्या हो सकता है कि या तो यहां पर आप अपने ऑर्डर्स एग्जिट कर सकते हो। तो प्राइस में आपने बाइंग की है, अब लोअर चैनल के पास हमारा प्राइस पहुँच गया है, तो आप यहां से क्या कर सकते हो, या तो अपनी पोजीशन से एग्जिट कर सकते हो या फिर आप भी होल्ड करना चाहोगे कि हो सकता है प्राइस आपका अपसाइड की तरफ निकल जाए। ओके, कुछ यही आपकी उम्मीद होगी कि प्राइस आपका अपसाइड की तरफ जा सकता है, तभी आप यहां से बाइंग भी करोगे। सो दोनों ही लोग, अगर आप होल्ड भी करना चाहते हो या फिर आप यहां पर एग्जिट करना चाहते हो, तो अगर बाइंग का सिनेरियो हम यहां पर देखते हैं, बाइंग में अगर आपको होल्ड करना है अब शॉर्ट से तो क्या रिजल्ट हो सकता है आपका, या फिर सेलिंग में आपको यहां पर होल्ड करना तो क्या रिजल्ट हो सकता है आपका। ओके, आगे पीछे। अब शॉर्ट सेलिंग में अगर यहां पर आपने प्राइस को होल्ड किया था, अपने इस लोअर चैनल के पास में प्राइस के रिटेस्ट नहीं हो जाने तक आपने अगर प्राइस को होल्ड किया है, तो अब आप प्रॉफिटेबल, अभी आप प्रॉफिट में चल रहे हो। और यहाँ पर जिन्होंने बाई किया था वहाँ पर अगर प्राइस को आपने एग्जिट नहीं किया था तो ओवरऑल यहाँ पर अभी आप लॉस में हो। हम यहाँ पर डिस्कशन क्या करना चाहते हैं,
प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, डिस्कशन हमारा इस बात के ऊपर नहीं। प्राइस एक्शंस को हमें प्रैक्टिस किस तरह से करना है, आगे की प्रिडिक्शन हमको लगा करके चलनी है। हम आगे का चार्ट, ये वाला चार्ट हमें हाइड कर देना होगा, ओके? ये चार्ट हम हाइड कर देंगे पूरी तरह से। अब हम देखेंगे कि अगर इस वाले पॉइंट पर हम होते तो हम क्या रीटेस्ट का वेट करेंगे, कोई शॉर्ट साइड की एंट्री लेंगे, या फिर हम यहां से किसी बाई साइड के रैली का वेट करेंगे, क्या करेंगे क्या? जब लाइव मार्केट चल रही होती है तो हम हर एंगल से सही होना चाहते हैं, सही साबित करना चाहते हैं अपने आप को। प्राइस चाहे जो भी चल रहा हो, हम क्या चाहते हैं कि हम किसी भी एंगल से बस सही हों, हम प्रॉफिट में आ जाएं। ऐसा तो काम नहीं चलेगा। आपकी प्रैक्टिस इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि लाइव मार्केट में आपके ऊपर बिल्कुल भी स्ट्रेस ना हो, आप रिलैक्स मूड से बिल्कुल बैठे रहो, एकदम रिलैक्स मूड से बैठे। इतनी ज्यादा आपके पास प्रैक्टिस होनी चाहिए, या फिर प्रैक्टिस के साथ साथ आपके पास एक अच्छा सिस्टम ही होना चाहिए, एक अच्छा सिस्टम जिसके ऊपर आप बिलीव कर सको, वो सिस्टम होना चाहिए जिसके ऊपर प्रैक्टिस के माध्यम से अभी आप क्या कर सकते हो, या तो आप शॉर्ट कर सकते हो, बाई कर सकते हो, या फिर वेट कर सकते हो। बिकॉज अभी हमने बताया कि 80% से ज़्यादा टाइम हम यहाँ पर वेट करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि प्राइस में अगर आपने बाइंग का व्यू बनाया और वो शॉर्ट हो गया तो ये तो स्टॉप लॉस जाने की कंडीशन हो गई। अब मान लीजिए कि यहाँ पर आपका व्यू था यार यहाँ से प्राइस को बाई होना चाहिए, बट मेरा व्यू ऐसा है कि शॉर्ट हो सकता है, ये कन्फ्यूजिंग जोन हो गया। आप यहाँ पर कोई डिसीजन नहीं ले सकते, आराम से बैठे रह सकते। सो बैठे रहना भी मतलब लॉस में नहीं जाना भी एक प्रॉफिट्स की कैटेगरी में ही आता है। तो सिंपल सी चीज़ जो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि प्राइस एक्शन को अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप किस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो, एक जेन्युइन तरीके से। सो अब यहाँ पर देखिए, द प्राइस सक्सेसफुली रिट्रेस्टेड द ट्रेंड लाइन एंड वॉज प्रॉफिटेबल। इस लाइन तक रिटेस्ट हुआ और अभी ये डाउन साइड की तरफ। कुल मिलाकर जो प्राइस आपका डाउन ट्रेंड में था, अब ये कंटिन्यू है, डाउन साइड की तरफ आया, ये जोन बना आपका, वापस से देखिए डाउन ट्रेंड आपका ब्रेकआउट होगा और यहाँ से प्राइस फिर से डाउन ट्रेंड में। अब इसके बाद आप क्या करोगे, क्या जो आपने शॉर्ट सेलिंग की है इसको आप होल्ड करना चाहोगे, या फिर किसी एक लेवल से आप बाई करना चाहोगे, क्या करना क्या चाहोगे, इसके आगे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसको कोशिश करिए समझने की। अनुमान लगाइए क्या कर सकते हैं आप। ये चार्ट आप यहाँ पर पॉज कर सकते हो अगर चाहें तो, किसी भी तरह की कोई लाइन वगैरह अगर आपको इसके ऊपर लगानी तो आप वो लाइन भी लगा सकते हो। आप इसको समझने की कोशिश करो कि आप यहाँ पर क्या कर सकते हो। स्किप कर करके देखेंगे तो शायद उतना समझ में नहीं आएगा, कोशिश करिए इसको समझने की कोशिश करिए। जनरली इस लेवल पर क्या हुआ था कि प्राइस ने आपके इस फ्लैग पैटर्न वगैरह हम इतना मानते नहीं हैं, ना इनके ऊपर हम इतना काम करते हैं, बट हमें यहाँ पर दिख रहा है। इससे पहले भी काफ़ी बार हम आपसे बता चुके हैं कि इस मेथड के ऊपर काम करने से पहले हमने काफ़ी साल अपने इन पैटर्न्स को प्रैक्टिस किया था, इन पैटर्न्स के ऊपर बहुत सारा काम किया है। अब अगर हम चार्ट्स को एनालाइज करें तो ये पैटर्न्स वगैरह हमको दिख जाते हैं। इसको एनालाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं, मार्क कर लेते हैं इसको। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ है कि प्राइस डाउन साइड की तरफ आया, इसने अपने फ्लैग पैटर्न को रिटेस्ट किया और फिर डाउन साइड की तरफ की। अभी आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, चलिए अब देखिए यहाँ पर हम लोग एक चीज़ क्या कर सकते हैं कि प्राइस एक लोअर ट्रेंड में आ रहा था डाउन साइड की तरफ, लोअर ट्रेंड में गिरा है, ये इसका कंसोलिडेशन का एरिया बना और प्राइस वापस से डाउन साइड की तरफ। अब अगर प्राइस को डाउन साइड की तरफ आना तो फिर से यहाँ पर अपने किन्हीं सपोर्ट्स को ब्रेक करना पड़ेगा प्राइस को, तब ये डाउन साइड की तरफ आएगा। अब जो भी हमने आपसे कहा कि स्क्रीन को अपनी पॉज करके आप यहाँ पर चाहो तो कोई ट्रेंड लाइन लगा सकते हो। सो देखिए हमको जनरली यहाँ पर क्या दिख रहा है कि सपोर्ट लाइंस, जहाँ से ये ट्रेंड अप साइड की तरफ स्टार्ट हुआ था, ये वाला जो जोन है यहाँ से प्राइस आपका अप ट्रेंड की तरफ स्टार्ट हुआ था। अभी अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाने के बाद इस वाले पॉइंट को हम मार्क कर लेंगे। यहाँ से थोड़ा आसान होगा आपको समझना कि यहाँ से प्राइस क्या कर सकता है। आपका डाउन साइड की तरफ जा सकता है, आपका अपना व्यू, आप यहाँ पर अपना व्यू बनाइए। सिंपली जो हम समझाना चाह रहे हैं आपको कि यहाँ पर आपका व्यू क्या रहेगा, आप किस तरह से अपना व्यू बनाओगे। क्या प्राइस आपका डाउन साइड की तरफ गिरा है, अब आप यहाँ पर क्या करोगे, क्या शॉर्ट सेलिंग करोगे या फिर यहाँ पर आप बाइंग करोगे, क्या करोगे? अब देखिए यहाँ पर प्राइस ने क्या किया, प्राइस रिस्पॉन्डेड टू अ डिमांड लेवल एंड रिवर्स्ड। प्राइस ने अपने नेक्स्ट डिमांड लेवल पर जो भी हम लोगों ने ड्रॉ किया था यहाँ पर इसने रिस्पॉन्ड किया और एक पिन बार का रिवर्सल पैटर्न डाउन साइड से अप साइड की तरफ फॉर्म किया गया और प्राइस आपका सेम डिमांड लेवल से अप साइड की तरफ निकला सपोर्ट लेने के बाद। सो यू फिनिश द डे एट ब्रेक इवन इन दिस सिनेरियो, विनिंग वन ट्रेड एंड लूजिंग अनदर।
अगर इसमें से एक भी ट्रेड आपने आपके फेवर में चला गया तो आप ब्रेक इवन पर निकल, जितने भी सिनेरियोस अभी हमने बताया आपको, इसमें से अगर एक डिसीजन भी आपका सही होता तो आप ब्रेक इवन पर निकल, बाकी के सारे गलत, सिर्फ एक सही तो आप ब्रेक इवन पर निकल, और अगर दो सही हो गए तो वहां से आपका प्रॉफिट स्टार्ट हो जाता। तो सेम डिमांड लेवल से प्राइस आपका सपोर्ट लेकर के अपसाइड की तरफ चला गया। अब इसके आगे क्या हो सकता है, अगर इस तरह से हम बढ़ते चले जाएंगे तो शायद ही पूरा दिन खत्म हो जाएगा अपना, और इतना वीडियो भी हम नहीं बना सकते। सो इसके आगे आप लोगों को, आप लोग कोई भी चार्ट ओपन करिए, उसके आगे लिखिए अगर पर्टिकुलर इस टाइम पर हम इस जगह पर होते तो हम क्या करते, उसको अपनी कॉपी में नोट कीजिए। नोट करने के बाद आगे की जर्नी स्टार्ट कीजिए, फिर आगे का चार्ट देखिए, फिर आगे की जर्नी स्टार्ट। इस तरह से जब आप करोगे तो आप देखोगे कि कम समय में ज़्यादा अच्छे से आप प्रैक्टिस कर पाओगे, और इसके ऊपर और भी ज़्यादा अच्छा होगा कि जब आप किसी सिस्टम के थ्रू उस सिनेरियो को प्रैक्टिस करोगे। अगर आप किसी इंडिकेटर का भी यूज़ करो तो उसमें भी प्राइस एक्शन मैच ही रहेगा, मिक्स रहेगा, मर्ज रहेगा उसके अंदर। विदाउट प्राइस एक्शन कोई भी इंडिकेटर काम नहीं करेगा। सो प्राइस एक्शन को आपको देखना ही होगा, आज नहीं तो कल उसके ऊपर आपको शिफ्ट होना पड़ेगा। शिफ्ट इन द सेंस कि प्राइजेस की जो कैंडल होती हैं, वॉल्यूम्स की जो कैंडल होती हैं, टाइप ऑफ सिनेरियोज होते हैं, टाइप ऑफ फॉर्मेशंस होती हैं, उनको देखना आपको आना चाहिए। आगे के सिनेरियोज देखते हैं। अच्छा, इसके आगे और क्या क्या हो सकता है कि जैसे ये एक रेंज थी अपनी, यहाँ से प्राइस अपसाइड की तरफ गया, और एक ये अपनी रेंज थी यहाँ से, तो अब ये रेजिस्टेंस पॉइंट है। मे भी हो सकता है कि अब अगर प्राइस को अपसाइड की तरफ जाना है तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा कि या तो प्राइस यहाँ से अपसाइड की तरफ निकल जाएगा या फिर यहीं से रीटेस्ट होकर के डाउन साइड की तरफ, और ये वाला डिमांड जोन जो है इसको ब्रेक कर दे, डाउन साइड की तरफ ब्रेक कर सकता है। अब ये एक टर्निंग पॉइंट बन गया। इस तरह से आप इस प्राइस एक्शन को प्रैक्टिस कर सकते हो। सो थैंक यू, एंड अपना ये आज का वीडियो हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। एंड आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, का सेंस कि इसे आपने कुछ सीखा होगा। बेसिकली जो मेरा यहाँ पर कंसर्न था इसको एक्सप्लेन करने का, बताने का कि प्राइस एक्शन को किस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप आगे की तरफ प्रैक्टिस कर सकते हैं, किस तरह से एक अच्छे प्रैक्टिशियर के तौर पर हम मार्केट में काम कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू, गुड बाय, एंड वी विल मीट अगेन।